हेलो एवरीवन फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं चने दाल का पीठा। जहाँ हमने ले लिया है चना दाल, भिगो करके उसको छान लिए हैं। उसमें डालेंगे हम लहसुन, उसमें डाल देते हैं 4 से 5 हम हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों को दरदरा मिक्सर जार में हमने पीस लिया है। पीस करके एक थाली में हम इसको निकाल लेते हैं। उसमें डाल रहे हैं नमक, डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। कढ़ाई में गरम तेल करेंगे, उसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, थोड़ा सा खड़ा जीरा साबुत, और साबुत डालेंगे हम काला सरसों थोड़ी सी। ये सारी चीज़ों को हम डाल के पीसी हुई चने दाल को अच्छे से कढ़ाई में थोड़ी इस तरह से मिला लिए हैं। ऊपर से डाल दिए हम धनिया पत्ता, इसे बहुत अच्छा हमारा एक स्टफ तैयार हो जाता है। आटे को लिए हैं, इस तरह से बेल लिए हैं, उसमें हम अच्छे से इसको फील करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो दबा के हम करते हैं इसको थोड़ा ठीक से करते हैं, वरना पानी में जाने जब स्टीम हम करेंगे पानी में तो ये टूटने के डर रहती है, इसलिए थोड़ा हम आटे को टाइट सानेंगे। और उसके बाद से इस तरह से भर के हम देखिए एक एक करके ऐसे भर लिया है। भर करके हम बना लिए हैं इस तरह से पीठा। लोग इसमें चावल के आटे वाले भी बनाते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा पानी लिए हैं, उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच तेल। अब ये सारे पीठा हम उसमें डाल रहे हैं। तेल डालने से ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। देखिए इस तरह से हम डाल दिए हैं। 15 से 20 मिनट तक इस तरह से हम धीमी आंच पे एकदम से इसको पकाएंगे। और हम चेक कर लिए हैं कि हमारा पीठा अच्छे से पक गया है कि नहीं अंदर से। तो हमारा पीठा बनकर तैयार है। अब हम इसका छौंका लगाते हैं। सरसों उसमें डाल लिए हैं, जीरा हम देखिए इस तरह से फिर बॉयल किए हुए जो पीठा है उसको इसमें डाल के अच्छे से धीमी आँच पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है पीठे की। देखिए कितना अच्छा, ये बहुत अच्छा स्टफ हो गया है। देखिए इस तरह से ये बिहारी डिश है। कैसा लगा फ्रेंड आप लोग को वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने और यहाँ पे धनिया पत्ता टमाटर की चटनी बनाई है पीठे के साथ। देखिए इस तरह से आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय।